सागर जिले के नगर परिषद बांद्री में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब यहां मंत्री भूपेंद्र सिंह औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां औचक निरीक्षण के साथ ही मंत्री ने जनता से कोरोना को लेकर अपील भी की। देखिए एक खास रिपोर्ट। जी हां, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह सागर जिले के नगर परिषद बांद्री का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने यहां मौजूद अधिकारियों कर्मचारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान यहां मंडल अध्यक्ष पप्पू मुकदम, नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी ज्योति सिंह एवं अन्य भाजपा नेता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर करते हुए जनता से मास्क लगाने व घर पर होली मनाने और वैक्सीन लगाने की अपील की है। साथ ही बांद्री में विकास कार्यों को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। साथ ही हितग्राहियों के आवास के लिए खातों में राशि डालने की बात भी कही। कोरोना बढ़ रहा है जी, और मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जी, और इसलिए कोरोना से बचाव के लिए सभी लोगों से अपील है कि सभी लोग मास्क लगाएं। और साथ में होली का त्यौहार भी आ रहा है, रंगों का त्यौहार है, तो उसमें सबसे अपील है कि सब अपने घर में ही होली मनाएं, सड़कों पर ना निकले, भीड़ में ना निकले, जिससे कि कोरोना से बचाव हो सके। और वैक्सीनेशन भी अब 1 तारीख से जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं उनका सबका वैक्सीनेशन भी हो रहा है, वैक्सीन भी लग रही है, तो सब लोग वैक्सीन भी लगवाएं, उससे भी बहुत सुरक्षा होगी। ये सबसे अपील है, होली घर में मनाएं। बांद्री में सबसे बड़ी सौगात तो नगर पंचायत की हो गई जी। अब नगर पंचायत के माध्यम से बांद्री का पूरा व्यवस्थित विकास करना जी जी, पानी हो, रोड हो जी भी, बगीचा हो, काली घर हो, स्टैचू हो, स्टेडियम हो, ये सारी चीज़ें बना, जिम हो, ये सारी चीज़ें बनाने का काम अब शुरू हो रहा है। और बांद्री में जो सबसे बड़ी समस्या पेयजल की थी, उसके लिए हमने 40 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए हैं, उसका भी जल्दी काम शुरू हो जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो नगर परिषद बांद्री में मंत्री के विकास कार्यों की समीक्षा के साथ ही जनता से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने व वैक्सीन लगाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, सागर।